अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम। अक्षित कुमार, जय हिंद जय हिंद, धर्मेंद्र चौहान, रुचि वर्मा, कृष्णा राय, वंदना यादव, शिक्षा चौधरी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, आप सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी और मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से दिख भी रहा हूँगा। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ कि आज थोड़ा टेक्निकलिटी की वजह से मैं आप लोगों को पीडीएफ नहीं दे पाया हूँ, इसके लिए मुझे खेद है, सॉरी टू ऑल ऑफ यू एंड मोस्ट वेलकम ऑन अनअकैडमी यूट्यूब चैनल। पहले बता दूं कि आज जो पीडीएफ नहीं मिल पाई है, जिन बच्चों ने मैसेज किया उनको पीडीएफ अभी मिल जाएगी कुछ देर के बाद, तो ठीक 8 से 9 बजे के बीच आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। जिन बच्चों ने मैसेज किया है, जिन बच्चों ने प्रोफाइल को फॉलो किया है, उन सबको कल की पीडीएफ, सिलेबस की पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगी। कैसे मिलेगी वो आपके आप तक पहुंच जाएगी, बस इसके लिए आप ध्यान रखिए। तो सबसे पहले जो बच्चे आज पीडीएफ के लिए अप्लाई किए हुए थे उनको पीडीएफ मिल जाएगी। जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए वे सभी बच्चे नीचे दिए गए यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में हमारी प्रोफाइल को फॉलो करेंगे, उनको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं कि अर्थशास्त्र वैकल्पिक विषय सबसे बेहतर क्यों है। आज का टॉपिक है कि अर्थशास्त्र एक वैकल्पिक विषय के रूप में सबसे बेहतर क्यों है। तो जिन बच्चों ने अभी तक इकोनॉमिक्स ज्वाइन नहीं किया है, जिन बच्चों ने अभी तक कोई ऑप्शन नहीं लिया है या भविष्य में इकोनॉमिक्स तरफ देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनके लिए बेहतरीन विकल्प है, उनके लिए एक बेहतरीन विकल्प है अर्थशास्त्र एक वैकल्पिक विषय के रूप में। यस, आज हम बात करने जा रहे हैं अर्थशास्त्र एक वैकल्पिक विषय के रूप में किस प्रकार से आपके लिए काफी फायदेमंद है, जीएस थर्ड पेपर में इकोनॉमिक्स का क्या रोल है, ऑप्शनल में इकोनॉमिक्स का क्या रोल है, इंडियन इकोनॉमी क्या है। तो अभी हम लोग चूंकि क्लास के इनिशियल फेज में है, जो बच्चे भी क्लास के इनिशियल फेज में है या बिगनर्स है उनके लिए मेरी सारी क्लासेस बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। तो सबसे पहले बता दें कि कल हमने इकोनॉमिक्स के सिलेबस के साथ साथ आईएएस प्रीलिम्स की प्रारंभिक परीक्षा पर खूब डिस्कशन किया है ना। तो जो बच्चे जुड़ गए हैं सेशन को जल्दी से शेयर कर दें और सेशन को लाइक करते हुए जुड़े रहें, यानी बने रहें, उन्हें लगातार सेशन में बने रहने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे, सर वॉइस इज नॉट क्लियर, क्लियर तो है, बिल्कुल वॉइस क्लियर है, हाँ बिल्कुल। साजिद राजी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग टू अंग्रेज पांडे, बताइए क्या मेरी आवाज क्लियर है या नहीं। अंशुल कुमारी, डोंट वरी, पीडीएफ मिल जाएगी बेटा, हमने कहा है कि यार थोड़ी सी टेक्निकलिटी की वजह से, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, नेटवर्क कनेक्शन की वजह से हम आपको पीडीएफ नहीं दे पाए हैं, लेकिन यकीन रखिए पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आवाज अच्छी नहीं आ रही है, अच्छा अब बताइए अब कैसी आवाज आ रही है, एक मिनट मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ आवाज का सिस्टम। आवाज अब आ रही है, आवाज अब सही हो गई, हेलो, वॉइस इज नॉट क्लियर, अब क्लियर है, डबल साउंड आ रहा है, ओके अब आवाज सही है, हेलो, वॉइस स्लो आ रही है, आवाज सही है, आवाज अब बिल्कुल सही होगी मेरे ख्याल से, क्लियर है, ओके आवाज सही होगी। तो चलिए सबसे पहले आप लोग बता दें कि जिनको पीडीएफ नहीं मिला है उनको पीडीएफ मिल जाएगा, वो इसकी चिंता ना करें, जिनको पीडीएफ नहीं मिला है पीडीएफ मिल जाएगा, आज रात में पीडीएफ आप सभी लोगों को मिल जाएगा। मैंने कहा कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से या कुछ कनेक्शन की वजह से आपको पीडीएफ नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो जिनको भी पीडीएफ मिल जाएगा, जिनको पीडीएफ चाहिए वे सभी लोग नीचे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में मेरा प्रोफाइल फॉलो करें, कुमार बैंक लिखा हुआ, कुमार बैंक को फॉलो करिए, हमसे बात करिए और हमसे पीडीएफ का जरूर लीजिए। चलिए तो आज ये हम लोग बात करने जा रहे हैं अर्थशास्त्र वैकल्पिक विषय सबसे बेहतर क्यों है। तो थोड़ी सी बात बता दो अपने बारे में, मैं कुमार बैंक आपको पिछले 8 वर्षों से इकोनॉमिक्स ऑप्शन पढ़ा रहा हूँ और इंडियन इकोनॉमी के लिए भी आपको लगातार गाइड कर रहा हूँ। जीएस थर्ड कंप्लीट हम आपको अनअकैडमी के प्लस चैनल पढ़ाते हैं, अनअकैडमी के आइकॉनिक पर पढ़ा रहे हैं। तो जो बच्चे भी हमसे जीएस थर्ड कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं या जीएस फोर्थ पेपर पढ़ना चाहते हैं वे सभी यहाँ पर आकर जोड़ कर देते हैं, ठीक है। अभिजीत कुमार आपका मैसेज मिल गया है, नेहा चौधरी का मैसेज मिल गया है, काफी बच्चों का प्रोफाइल मैसेज मिला है, आप लोग बिल्कुल इत्मीनान रखिए, आप सभी को बिल्कुल मिल जाएगा।
वॉइस स्लो है, वॉइस सही आ रही है, वॉइस को आप लोग अपने नेटवर्क को देखिए, ठीक है, बिल्कुल वॉइस को सही आ रही होगी, मुझे उम्मीद है वॉइस में कोई खराबी नहीं है। चलिए आ जाइए, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि वास्तव में इकोनॉमिक्स आपको लेना चाहिए क्या। बहुत सारे बच्चे जो इकोनॉमिक्स नहीं लेते, हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र एक वैकल्पिक विषय के रूप में, अर्थशास्त्र एक वैकल्पिक विषय के रूप में, एक वैकल्पिक तो कैसा रहेगा, क्या लगता है आप लोगों को। चलिए, अर्थशास्त्र वैकल्पिक विषय सबसे बेहतर क्यों है, इस पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। यस, क्लियर है, आवाज क्लियर है, ऑडिबल है, विजिबिलिटी बनी हुई है, तो सभी लोग जुड़ जाइए। तो हमने कहा कि वाई इकोनॉमिक्स ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। हम आपको आज डाटा के साथ बात करेंगे, हम आपको बताएंगे क्यों इसका सक्सेस रेशियो इतना ज्यादा है। जिन बच्चों ने अभी तक इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है, उनको लगता है इकोनॉमिक्स कठिन है, लेकिन वास्तव में इकोनॉमिक्स बहुत ही आसान विषय है, अर्थशास्त्र एक अच्छा विषय है। और चूंकि आपके एग्जाम में चाहे प्रीलिम्स की बात हो या मेंस की बात हो, आप देख रहे होंगे हर जगह इकोनॉमिक्स, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं वाई इकोनॉमिक्स ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। वाई इकोनॉमिक्स ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन, यानी अर्थशास्त्र एक वैकल्पिक विषय के रूप में बेहतर विकल्प क्यों हो सकता है, इसकी हम लोग बात करेंगे। तो तैयार हैं सभी लोग, तो तैयार हैं आप सभी लोग ये जानने के लिए। सबसे पहले आप सभी लोग बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि अब लगातार एक घंटे हमें सर से ये सारी बातें सुननी है। और हम कह रहे हैं कि प्रारंभिक परीक्षा की क्लास, प्रारंभिक परीक्षा, प्रारंभिक दौर चल रहा है आपके विषय का, तो आप सारी बातें जान लीजिए। देखिए, हमने पहले आपको अर्थशास्त्र बता दिया अर्थशास्त्र क्या है, फिर हमने आपको अर्थव्यवस्था बता दिया अर्थव्यवस्था क्या है, फिर उसके बाद हमने आपको कल IAS का कम्प्लीट सिलेबस डिस्कस कर दिया। बहुत जल्दी हम IAS की मुख्य परीक्षा के सिलेबस आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। यस, बहुत जल्द हम आपसे IAS की मुख्य परीक्षा का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे। और आइए, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अर्थशास्त्र वैकल्पिक विषय सबसे बेहतर क्यों है, वाई इकोनॉमिक्स ऑप्शन इज बेस्ट ऑप्शन। देखिए, अगर हम स्ट्रेटेजी की बात करें, स्ट्रेटेजी फॉर इकोनॉमिक्स ऑप्शन फॉर UPSC, तो साथ साथ लिखा होगा इकोनॉमिक्स इज एन ऑप्शन सब्जेक्ट दैट सम कैंडिडेट्स स्वेयर बाय सम अदर्स डेयर नॉट टच। देखिए, बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो वास्तव में इकोनॉमिक्स ऑप्शन से डरते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे जो इकोनॉमिक्स ऑप्शन से डरते हैं, बहुत कम बच्चे जो इकोनॉमिक्स ऑप्शन लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ अदर्स आर नॉट डेयर टू टच, लेकिन यकीन मानिए अभी हम आपको जो आंकड़ा देने वाले हैं वो बिल्कुल आपको एकदम चौंका देगा, आप बिल्कुल सरप्राइज हो जाएंगे कि किस तरीके की इकोनॉमिक्स ऑप्शन में सबसे रेशियो आगे बढ़ी हुई है। इट इज जनरली कंसिडर्ड अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट बिकॉज इट इज प्रैक्टिकल टेक्निकल, तो वास्तव में थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट तो है, नो डाउट। अर्थशास्त्र एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, एंड इन दिस आर्टिकल वी डिस्कस ऑल यू नीड टू नो अबाउट द इकोनॉमिक्स ऑप्शन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्ट्रेटजी, प्रोस कॉन्स, सब कुछ बात करेंगे, प्रोस कॉन्स की बात करेंगे, क्या इसके लाभ हैं, क्या क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, और इसकी सूची की भी बात करेंगे। यस, इसकी सूची की बात करेंगे कि वास्तव में अगर हम देखेंगे रिजल्ट, ये आपके सामने रिजल्ट में निकाल के रखा हुआ है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अपीयर हुए थे, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने कितना क्लियर किया है, सक्सेस रेट क्या है, ये सारी बात आज आपके सामने हम लेकर के आए हुए हैं कि अगर आप वास्तव में इकोनॉमिक्स ऑप्शन को लेकर चलते हैं तो किस तरीके से आपका GS थर्ड पेपर कवर होगा। तो देखिए, आंकड़े तो यहाँ तक कह रहे हैं कि लगभग 60% क्वेश्चन GS थर्ड पेपर में, जो इंडियन इकोनॉमी के जो पेपर हैं वो GS थर्ड पेपर में कवर करते हैं, ठीक है, बिल्कुल। सबसे पहले तो आप लोग मेरी बातों को ध्यान सुनिए, हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से हम इकोनॉमिक्स ऑप्शन की बात कर रहे हैं। जिन बच्चों ने अभी तक ऑप्शन नहीं ऑप्ट किया है वो ऑप्शन ले सकते हैं, एक बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि ज्योग्राफी और लोक प्रशासन, यानी ज्योग्राफी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, उसमें भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या वास्तव में उसका सक्सेस रेशियो इतना अच्छा है। मैं आप लोगों का आज एकदम मेंटेलिटी चेंज करने आया हूँ कि आप इकोनॉमिक्स ऑप्शन क्यों नहीं लेते। अच्छा, आप लोग बताइए, कनिष्क कटारिया ने मैथमेटिक्स ऑप्शन लिया हुआ था ना, कनिष्क कटारिया ने मैथमेटिक्स ऑप्शन लेकर के टॉप कर लिया। अगर कनिष्क कटारिया किसी पूछता कि हम मैथमेटिक्स ले लें क्या ऑप्शन में, तो शायद उसको पूरा मुखर्जी नगर, पूरा करोलबाग सब मना कर रहा होता, पूरा साउथ दिल्ली मना, पूरा इंडिया मना कर रहा होता कि भाई आप मैथमेटिक्स ऑप्शन मत लीजिए। लेकिन यकीन मानिए कि वो मैथमेटिक्स ऑप्शन लेकर के इतना तेजी से आगे बढ़ गया। यस, कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। तो इकोनॉमिक्स ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन क्यों है, तो हमने पहले बताया कि इसके प्रोस पढ़ेंगे, कॉन्स पढ़ेंगे, क्या क्या फायदे, क्या क्या घाटे हैं, ये सारी बात हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक। बहुत हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। 2017 का अगर डाटा हम लोग देखें
तो जो टॉपर था, अगर हम 2012 की बात करें, देखिए एक आंकड़े हमारे पास और है कि कुमार अनुराग ने 2018 में इकोनॉमिक्स लेकर के इसकी 48 रैंक थी। गौरव अग्रवाल 2013 में इकोनॉमिक्स से ही टॉपर थे। यस, यहाँ आप देख रहे हैं गौरव अग्रवाल का नाम आपने सुने होंगे। गौरव अग्रवाल 2013 के टॉपर रहे हैं, जो पहले रैंक पर थे, जिनका ऑप्शन क्या था, इकोनॉमिक्स था। फिर हरिथा भी कुमार भी इकोनॉमिक्स ऑप्शन से थे, यानी उनका भी पहला रैंक था। तो आप देख रहे हैं लगातार 2012 में 2013 में इकोनॉमिक्स ऑप्शन से टॉपर भी हुए हैं। यस, तो जिन लोगों को नहीं पता है, जिन लोगों को नहीं पता है वो इकोनॉमिक्स ऑप्शन से टॉप भी कर सकते हैं। तो देखिए हर्षिता सिंह 2011 में 8वें नंबर पे थी। तो सबसे पहले तो आज हम बताते हैं कि अगर आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो आपको कितना फायदा पहुंचा सकता है इकोनॉमिक्स ऑप्शन में। ठीक है, बिल्कुल इकोनॉमिक्स हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे चीजों को समझेंगे, तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो इकोनॉमिक्स के साथ टॉपर भी रहे हैं। तो देयर आर हैव मेनी टॉपर्स विद इकोनॉमिक्स एज देयर ऑप्शन सब्जेक्ट, यानी ऑप्शन सब्जेक्ट उन्होंने चूज किया। The most famous with the option is perhaps गौरव अग्रवाल, है ना, तो गौरव अग्रवाल का नाम आता है। गौरव अग्रवाल को आप ध्यान रखिए, या फिर बहुत सारे लोग हैं। और इसका अगर हम सक्सेस रेशियो देखेंगे, आप सक्सेस रेशियो देखिए कि 2012 में लगभग 269 लोगों ने इकोनॉमिक्स ऑप्शन लिया था, 269 लोगों ने इकोनॉमिक्स ऑप्शन लिया था, और 51 लोगों का क्लियर हुआ, मीन्स 51 लोगों क्लियर हुआ, यानी सक्सेस जो 19% ही आप देख पा रहे हैं, सक्सेस रेशियो 19% है। कि अगर 269 बच्चे मेंस लिख रहे हैं इकोनॉमिक्स ऑप्शन से 2012 में, 51 लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, तो सक्सेस रेशियो 19% है। इतना सक्सेस रेशियो वास्तव में किसी और विषय का नहीं जाता है। अगर हम 2013 की बात करें तो 188 यानी 188 लोग अपियर होते हैं, 38 लोगों का क्लियर होता है, और 20.2% सक्सेस रेशियो है। तो आप सक्सेस रेशियो देख सकते हैं, ये सक्सेस हमारा क्या है, 20.2%। एंड 2014 की बात करें तो 214 लोगों ने लिया, और फिर 26 लोग सिलेक्ट हुए, 12.1%। इसका मतलब ये हुआ, बिल्कुल हम इकोनॉमिक्स ऑप्शन बारे में बता रहे हैं, किशोर तेपरवाल, हम अभी आज इकोनॉमिक्स ऑप्शन बारे में बता रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी के साथ इकोनॉमिक्स ऑप्शन बेहतर सब्जेक्ट क्यों है। तो जो लोग अभी इकोनॉमिक्स ऑप्शन नहीं पढ़े, उनको जरूर एक बार पढ़कर देखना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स ऑप्शन के प्रोस कॉन्स क्या है, ये सब भी हम लोग आप बात करेंगे, और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में किस तरीके से आपका इंडियन इकोनॉमी कवर कर दो। देखिए एक आंकड़ा और मेरे पास है कि 2011 अगर इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स ऑप्शन की बात करें, तो लगभग 19 क्वेश्चन ऐसे थे, 19 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स आए हुए थे। 19 क्वेश्चन कहाँ से आए थे, इकोनॉमिक्स आए हुए थे। ठीक है, बिल्कुल अगर इकोनॉमिक्स अच्छा हो जाएगा तो आपका समाजशास्त्र वास्तव में अच्छा हो जाएगा। अर्थशास्त्री रविशंकर ने क्या कहा, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी अगर मानव व्यवहार का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप अर्थशास्त्र का अध्ययन कर लीजिए। यस, तो 2012 में 17 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2013 में 19 क्वेश्चन आ रहा है। चलिए हम आपको वास्तव में समझाना क्या चाहते हैं, इसको बात समझ लीजिए कि आपका जब इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे होते हैं, इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स में दो पेपर होता है ना, एक पेपर तो थॉट वाला होता है, एक पेपर थॉट का होता है, दूसरा पेपर होता है एप्लीकेशन का, यानी अप्लाइड पोर्शन होता है। तो जो अप्लाइड पोर्शन होता है, यानी इसका सेकंड पेपर, ध्यान समझिए, इसका सेकंड पेपर जो होता है वो बिल्कुल अप्लाइड होता है। इसका थर्ड वाला पोर्शन कैसा होता है, फर्स्ट पेपर होता है, ये फर्स्ट पेपर होता है जिसमें हमें अर्थशास्त्रियों के बारे में पढ़ना होता है। तो जो इसका अप्लाइड सेकंड, यानी जो इसका अप्लाइड पेपर है, वो 250 नंबर का हो गया, और जो थर्ड हो गया वो भी 250 नंबर का हो गया। ठीक, ये भी 250 नंबर का, ये भी 250 नंबर का हो गया। अब यही हमारे जीएस थर्ड पेपर में भी काम आएगा। यस, ध्यान रखिएगा, जो जीएस थर्ड पेपर में इंडियन इकोनॉमी है, या आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में जो आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं, वो वास्तव में इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का पूरा सेकंड पेपर ही है। तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का जो सेकंड पेपर है 250 नंबर का, और फिर जीएस का जो पेपर है वो 250 नंबर का, और आपके आईएएस प्रीलिम्स का जो पेपर है वो भी। बिल्कुल जरूर समझ में आएगा निशा कुमारी जी, डोंट वरी, आप लोगों को इकोनॉमिक्स जरूर समझ में आएगी, बस आपको हमारे साथ लगे रहना होगा। आने वाले वक्त में आपको इकोनॉमिक्स अच्छे समझ में आएगी। तो हमने कहा कि आप इकोनॉमिक्स के साथ साथ करंट इकोनॉमी वाले पोर्शन भी कवर करिए, करंट इकोनॉमी के अफेयर्स को भी कवर करिए, जो हम दोपहर प्रोग्राम कर रहे हैं देना, डेली इकोनॉमिक्स न्यूज एनालिसिस जो कर रहे हैं, इसको भी आपको कवर करना होगा। ठीक है, जरूर आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन हम लेकर के चल रहे हैं, इसमें हम सारी बातें आज लेकर के चल रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से सारी बातों को सुनिए कि किस तरीके से क्या क्या बातें हमने आपके लिखी हुई है। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए। तो देखिए अगला हम ये बता रहे थे कि कुमार अनुराग ने 2018 के
जो टॉपर रहे इकोनॉमिक्स से, अभिजीत सिन्हा रहे हैं, तेजस्वी रैना रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि जो मेंस में टेक्निकल सब्जेक्ट थे वो ज्यादा नंबर दे रहा है, चाहे वो मैथमेटिक्स रहा हो, चाहे वो कॉमर्स रहा हो, चाहे इकोनॉमिक्स रहा हो. तो लाइक ऑल द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इकोनॉमिक्स डू हैव इट्स शेयर ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एज एन ऑप्शनल, ऑल्दो नथिंग कैन बी. तो इसके कुछ अपने फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं. तो हम आपको बता दें इकोनॉमिक्स का ऑप्शन क्रॉस क्या है. इकोनॉमिक्स हैज ए गुड ओवरलैप विद द जीएस ऑफ पेपर थर्ड. इसको ध्यान में रखिए, इसको आपको ध्यान में रखना है कि इकोनॉमिक्स का ओवरलैप जीएस थर्ड पेपर से बहुत जबरदस्त है. जीएस थर्ड पेपर से इसका ओवरलैपिंग है. ओवरलैपिंग मतलब क्या हो गया कि लगभग 60% क्वेश्चन इकोनॉमिक्स ऑप्शन में आ जाता है जीएस थर्ड पेपर से. यस, तो लिखा है दी ओवरलैप इज सिग्निफिकेंट बिकॉज दी ऑप्शनल कैन कवर क्लोज टू 60% ऑफ जीएस थर्ड. यानी जिन जो बच्चे इकोनॉमिक्स ऑप्शन लेकर के चलते हैं, जिन बच्चों का इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है, वो लगभग 60% जीएस थर्ड पेपर के सिलेबस को कवर कर लेते हैं. मेरी बात समझिए ध्यान से. देखिए, हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं आप इकोनॉमिक्स ऑप्शन को सिलेक्ट ही कर लीजिए, लेकिन इकोनॉमिक्स ऑप्शन के बारे में तो अच्छे से सुन तो सकते हैं, और आप इसके बारे में जान जाएंगे कि वास्तव में अगर आप इकोनॉमिक्स लेते हैं तो आपका और पेपर कितना आसान हो जाएगा. तो 60% ऑफ द जीएस पेपर, दैट मेक्स इट एटलीस्ट 30 marks ऑफ द जीएस मेंस पेपर. यस, यानी ये बात आप समझ के चलिए कि लगभग इकोनॉमिक्स ऑप्शन पढ़ने के आपके जीएस का 60% तो कवर हो जाएगा. और यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करें तो यूपीएससी प्रीलिम्स मेनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम द इकोनॉमिक्स, आपने इसी बार देखा लगभग 29%. यस, लगभग 29%. देखिए, इकोनॉमिक्स ऑप्शन बच्चा क्यों नहीं लेता, दो कारण नहीं लेता. एक तो इकोनॉमिक्स ऑप्शन के आपको टीचर बहुत कम मिलेंगे, मतलब टीचर है ही नहीं, ना के बराबर है. अगर आप ऑल ओवर इंडिया में देखेंगे तो बहुत कम टीचर ऐसे होंगे जो इकोनॉमिक्स ऑप्शन पढ़ाते हैं या वो पढ़ाने की तरफ इंटरेस्टेड होते हैं. और आप ऑल ओवर इंडिया में देखेंगे बहुत कम स्टूडेंट्स भी हैं जो इकोनॉमिक्स ऑप्शन पढ़ना चाहते हैं. तो इस बात को हम समझा दें कि इकोनॉमिक्स ऑप्शन प्रति रुझान अब धीरे धीरे बच्चों में बढ़ रही है. यस, हम आपको बताएं जब से हमने दिल्ली इलाहाबाद में बहुत सारे बच्चों को इकोनॉमिक्स ऑप्शन पढ़ाना शुरू किया तो बहुत सारे बच्चे इकोनॉमिक्स ऑप्शन लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं. आने वाले समय में यूपीएससी अपने पूरे पेपर में अगर मान लीजिए वो किस तरीके चेंज करती तो इकोनॉमिक्स को ही आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी. ठीक है, यस. तो इसलिए आप सभी लोग इकोनॉमिक्स ऑप्शनल को भी रख सकते हैं अगर आपने कोई ऑप्शन अभी नहीं चूज किया है. बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर हम ऑप्शन कैसे चूज करें, तो आपको जिस पोर्शन का जीएस अच्छा समझ में आता हो वो आप रख सकते हैं. देखिए, हम आपको बिल्कुल प्रेसराइज नहीं कर रहे हैं कि आप इकोनॉमिक्स ऑप्शन रखिए, लेकिन इसके प्रोस एंड कॉन्स को समझ लीजिए. अगर कोई अर्थशास्त्र को वैकल्पिक विषय में रखना चाहता है तो वास्तव में इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, है ना. अब देखिए, अब चूंकि हिंदी मीडियम के बेल्ट में तो इकोनॉमिक्स एज ए वैकल्पिक विषय या इकोनॉमिक्स एज ए ऑप्शन बहुत कम छात्र रखते हैं. क्यों, मैं बात सही कह रहा हूँ ना, कि आप इकोनॉमिक्स से बहुत डरे डरे से रहते हैं. पता नहीं क्या बात है कि इकोनॉमिक्स से आप डरते हैं, जबकि इतना अच्छा, इतना स्मूथ सब्जेक्ट है. हाँ, थोड़ा टेक्निकल है, इसको समझने के थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए. बैकग्राउंड अच्छा मतलब क्या है, जिन बच्चों ने क्लास 10 तक साइंस पढ़ा हुआ है या जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है वो इकोनॉमिक्स ऑप्शन रख सकते हैं. और हम देख रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं. द फॉलोइंग टेबल गिव द नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम, अब यहाँ देख सकते हैं प्रीलिम्स से कितने क्वेश्चन है. देखिए, 2011 में अकेले प्रीलिम्स से 19 क्वेश्चन आया था. यस, अगर हम देखें 2011 में प्रीलिम्स में 19 क्वेश्चन आया, 2020 में तो लगभग 29 क्वेश्चन आ गया ना, 2020 का आंकड़ा मैं लिया नहीं है. तो 2011 में 19 क्वेश्चन, 2012 में 17 क्वेश्चन, 2013 में 19 क्वेश्चन, फिर 10 क्वेश्चन, 13, 18, ये इसका टेंडेंसी रहा है. यानी जो इकोनॉमिक्स या इंडियन इकोनॉमी का ट्रेंड रहा है, इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 2011 से लेकर के 18 तक लगातार 20 प्लस क्वेश्चन. और अगर हम इस बार 2019 की बात करें तो 2019 में लगभग 22 क्वेश्चन आए थे और 2020 में 29% क्वेश्चन आए हुए हैं. यानी इंडियन इकोनॉमी तेजी से अपडेटेड होने वाला जबरदस्त सब्जेक्ट है. और बिल्कुल किसान जाए, हम इकोनॉमिक्स ऑप्शन के सारे बुक लिस्ट की बात करेंगे आज के सेशन में. हम आपको बुक लिस्ट भी बताएंगे कि आपको ऑप्शन के लिए कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए, साथ साथ इंडियन इकोनॉमी के लिए कौन से बुक पढ़ने चाहिए. तो जिन बच्चों को इंडियन इकोनॉमी की प्रिपरेशन करनी है वो सेशन से जुड़े रहेंगे. और यहाँ देखेंगे कि हम अभी के कौन कौन से बुक की बात करेंगे, तो आपको हम पूरी आज बुक लिस्ट दे देंगे. आप बुक लिस्ट को समझ जाइएगा और जिनको ऑप्शन लेकर के चलना है उनको भी बुक लिस्ट दे देंगे. डोंट वरी, एकदम ध्यान समझिए. अभी हम आपको ये समझा रहे हैं कि अगर आपका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है तो किस तरीके से आपको ये मेंस में कवर करेगा, किस तरीके जीएस थर्ड, अच्छा जो कि जीएस थर्ड पेपर तो पूरा ही कवर करना है. यस, क्योंकि जीएस थर्ड पेपर तो आपको पूरा ही कवर करना है. तो आपको पूरा कवर करना है तो 60% का आपका क्या हो जाएगा,
इंडियन इकोनॉमी वाला पोर्शन कवर हो जाएगा, और ये ट्रेंड है 11 से लेकर के 18 तक। चलिए एज यू कैन सी फ्रॉम द टेबल, तो आपने देख लिया 15 से 20 क्वेश्चन तो हर बार ही आ रहा है। कैन आंसर टू दीज आर प्रीलिम्स, तो अगर आपका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है, देखिए इस बार जो क्वेश्चन आए आईएएस प्रीलिम्स में 2020 की बात कर रहे हैं, आईएएस प्रवेश परीक्षा में जो सवाल आए थे, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि अरे सर इकोनॉमिक्स ऑप्शन जिसका होता वो बहुत अच्छे से कर पाता। यस ये बात सही है और बिल्कुल एकदम सही है। अजीत कुमार आपसे बात से हम एकदम सहमत हैं। और बता दें आने वाले वक्त में अगर कोई भी प्रोग्रेसिव सब्जेक्ट है तो वह इकोनॉमिक्स। अच्छा आप ही लोग बताइए इतिहास में क्या बदलेगा, अगर हम अपडेशन की बात करें क्या इतिहास में अपडेशन लगातार हो रहा है? नहीं भाई, जो अकबर बाबर औरंगजेब जो चीजें हो चुकी है वही आपको पढ़ना है। तो यूपीएससी की नजर क्यों नहीं जाएगी वहां पर, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपसे ये नहीं कह रहे इकोनॉमिक्स एक बुरा विषय है, इकोनॉमिक्स बहुत परी है, हम आपसे ये नहीं कह रहे हिस्ट्री एक बुरा विषय है। तो इकोनॉमिक्स एक बहुत अच्छा विषय है और हिस्ट्री भी अच्छा विषय है, लेकिन अगर हम लोग अपडेशन की बात करें तो आने वाले वक्त में बिल्कुल हम बिल्कुल बता दे रहे हैं जीएस के लिए सबको बुक बताएंगे, ऑप्शन की भी बुक बता देंगे। ठीक है, आपको चिंता मत करिए, बस सेशन से जुड़े रहिए और आप देखिए हम आपको क्या करने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हमारा एक बैकग्राउंड होना चाहिए, लेकिन हम बताते हैं आपको बैकग्राउंड की कोई आवश्यकता नहीं है, नो नीड ऑफ बैकग्राउंड। इकोनॉमिक्स कैन बी स्टडीड बाई एनी वन विद एनी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, कोई भी इकोनॉमिक्स को पढ़ सकता है आराम से। हाँ बिल्कुल रोहित जी, हम आपको हिंदी में ही समझा रहे हैं, लेकिन ये जो हमने मैटर बनाया है तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स को आप कोई भी पढ़ सकता है, जिसका कोई भी विषय रहा हो, जिसका बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो, आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि सामाजिक विज्ञान का विषय है ये, है ना। अच्छा सिलेबस की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल एकदम क्लियर कट सिलेबस है, बिल्कुल बाउंड्री नहीं आता है, छोटा सिलेबस है। आप इकोनॉमिक सिलेबस की बात कर ले तो बीआईए सिलेबस फॉर द ऑप्शन इज क्लियर कट है, एकदम क्लियर कट है कि किसी प्रकार कोई इसमें छिपाव नहीं कि नहीं नहीं लिखा कुछ आएगा कुछ, आईएएस में एकदम क्लियर कट सिलेबस लिखा जाता है। तो आईएएस के लिए अगर इकोनॉमिक्स ऑप्शन आप रखते हैं तो आपके लिए छोटा सिलेबस है। मेनी टॉपर्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी गुड आंसर राइटिंग स्किल्स कैन फिच, यानी बिल्कुल एकदम मैथमेटिक्स जैसा है, अगर आपका आंसर सही है तो पूरा आंसर आप पूरा मार्क्स मिलेगा, अगर आंसर नहीं सही है तो फिर आगे कुछ मार्क्स कटेंगे भी। ठीक है, तो बहुत सारा आपके लिए है, तो क्या क्या हो सकता है आइए हम इसकी बुक लिस्ट की बात कर लेते हैं। अगर सिलेबस की बात कर लें तो देयर आर टू ऑप्शनल पेपर्स इन द यूपीएससी स्कीम थिंग्स, जैसे वो पेपर 250 नंबर का होगा, एक पेपर 250 नंबर का, एक पेपर 250 नंबर का, यानी 500 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑप्शन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बट यू नीड टू स्टडी विद ए प्लान इफ यू विश टू क्लियर द आईएएस एग्जाम। तो देखिए है तो बिल्कुल बाउंड्री के अंतर्गत, यस है तो बिल्कुल बाउंड्री के अंतर्गत, आपको सारी चीजें यहाँ बाउंड्री के अंतर्गत ही मिलेंगी, आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप हमसे पढ़ते तो हम आपको पूरी नोट्स दे देंगे। चलिए जो बच्चे जानना चाह रहे हैं सर हम किस प्रकार से इसके बुक लिस्ट के बारे में बात कर लें, तो आ जाइए आपको बुक लिस्ट के बारे में बता दें कौन कौन से एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स इसमें, इसका पहले आप देख लीजिए सिलेबस क्या है, एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स है जिसमें हम मार्शल वाल्डर्स की थ्योरी की बात करेंगे। हाँ रमेश सिंह भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आप जीत कुमार रमेश सिंह पढ़ सकते हैं, और हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं बुक लिस्ट। चलिए सबसे पहले बुक लिस्ट की बात कर लें, कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए यहाँ हम आपको बता दे रहे हैं, बुक लिस्ट की बात कर लें, आ जाइए बुक लिस्ट की बात कर लें, ये आपका बुक लिस्ट है जिनका इकोनॉमिक्स ऑप्शन है, बुक लिस्ट देख लीजिए। यस आराम से देख लीजिए बुक लिस्ट क्या क्या आएगा, तो एडवांस इकोनॉमिक्स थ्योरी बाय एच एल आहूजा, अगर कोई इकोनॉमिक्स ऑप्शन हिंदी में रख रहा है या इंग्लिश में रख रहा है तो एच एल आहूजा किताब पढ़ लेगा, और माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस बाई हालवेरियन तो हालवेरियन की पढ़ना होगा, ऑन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बाई अमर्त सेन की एक बुक लेनी होगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स बाई ग्रेगरी मैनक्यू तो ग्रेगरी मैनक्यू की बुक ले सकते हैं, गुड माइक्रो इकोनॉमिक्स रीडर बाई स्नो डाउन एंड वैन किताब आप ले सकते हैं, और मॉडर्न इकोनॉमिक्स बाई एच एल आहूजा तो इन सभी किताब आप ले सकते हैं, साथ साथ मनी एंड बैंकिंग ले सकते हैं एनके सिन्हा की, सब हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, एनके सिन्हा की भी किताब आप ले सकते हैं। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स बाई रिचर्ड फोरियन ये इंग्लिश में ही आती है, इसको ले सकते हैं, पब्लिक फाइनेंस के लिए थ्योरी एंड प्रैक्टिस बाई मसग्रेव एंड मसग्रेव की किताब अच्छी है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक में डोमिनिक साल्वाटोर जिनका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है, यस जिनका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है
वे लोग ले सकते हैं। अच्छा, इंडियन इकोनॉमी पढ़ने के लिए आप देखिए तीन बुक हम सजेस्ट करेंगे। एक इंडियन इकोनॉमी की, जो इंडियन इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं वहां कपला की बुक ले सकते हैं, दत्त एंड सुंदरम की बुक ले सकते हैं, मिश्रा एंड पुरी बुक ले सकते हैं। ये तीन बुक अच्छी हैं जो आपके इंडियन इकोनॉमी को अच्छे से कवर करती हैं, जो आपके इंडियन इकोनॉमी को अच्छे से कवर करती हैं, यानी उमा कपिला हिंदी में दे रहे हैं, आप उमा कपिला किताब ले सकते हैं, दत्त और सुंदरम किताब ले सकते हैं, दत्त सुंदरम आपके लिए अच्छी बुक है, और साथ साथ मिश्रा और पुरी किताब ले सकते हैं। ठीक है, मिश्रा पुरी किताब ले सकते हैं। यस, हम आपको ये मौका देंगे और ऑप्शन के बारे में जानने का, आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन हमने ये रखा है कि आप कौन सा ऑप्शन रखेंगे, कौन सा ऑप्शन रख सकते हैं। ठीक है, हमने तो आपको बता दिया कि अगर आप इकोनॉमिक्स ऑप्शन रखते हैं तो आपको क्या क्या फायदा हो सकता है। ध्यान समझिए कि अगर जो बच्चा इकोनॉमिक्स ऑप्शन लेता है, अगर जो बच्चा इकोनॉमिक्स ऑप्शन लेता है तो उसको क्या क्या फायदे हो सकते हैं ना। इकोनॉमिक्स मतलब हो गया 500। देखिए, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि आप बात कर रहे हैं ऑप्शन की, और इकोनॉमी का मतलब होता है आप बात कर रहे हैं जीएस की। तो हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं, तो इकोनॉमी तो हमें पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमी तो पढ़ना बिल्कुल श्योर है, चाहे आप आईएएस प्रीलिम्स के लिए पढ़िए, है ना, चाहे जीएस थर्ड पेपर के लिए पढ़िए। इस बात ध्यान देखिए, आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक, यानी जो इकोनॉमिक्स का सेकेंड पेपर है, वो तो आप पढ़ ही रहे हैं ऑलरेडी। अगर आप हमसे आईएएस प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं इकोनॉमी तो भी आप सेकंड में पढ़ रहे हैं, और अगर आप जीएस थर्ड पेपर की इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो भी आप समझ रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? नहीं, मेरी बात समझ में आ रहा है? और ये हो गया फर्स्ट पेपर। चलिए हम आपको आज अच्छे समझा दें इकोनॉमिक्स ऑप्शन का सिलेबस। बहुत सारे बच्चों की मांग थी, सर हमें इकोनॉमिक्स ऑप्शन का सिलेबस समझा दीजिए। वॉइस नहीं आ रही है क्या? साजिद राजिक, अभिजीत कुमार, ग्रेस पांडे, सोनम सिंगर, निशा कुमारी, क्या आवाज नहीं आ रही है? आवाज तो आ रही होगी, आवाज में क्या दिक्कत है? क्या आवाज नहीं आ रही है? क्या आवाज आ रही है? हेलो, अभिजीत कुमार बताएं, आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज आ रही है, आ रही है ना? अनुज तिवारी, आवाज आ रही है? इज वॉइस क्लियर और नॉट? इज वॉइस ऑडिबल और नॉट? आ तो रही है भाई, तो क्यों आप लोग बार बार परेशान करते हैं? बहुत से बच्चों को वास्तव में उनके नेटवर्क का इश्यू है। सही है ना? आ रही है, ओके, आ रही है, क्लियर है। तो हम आपके लिए ऑप्शन की बात करने जा रहे हैं। यस, ध्यान समझिए। देखिए, इस तरीके से आपको कोई समझाएगा नहीं पहली बार। इकोनॉमिक्स ऑप्शन तो वैसे भी लोग डरते बहुत ज्यादा है, भय खाते हैं, और हिंदी मीडियम में तो बहुत ज्यादा फोबिया है इसका, जैसे लगता है कोई बंदूक लेके खड़ा हो गया है। देखिए, अगर मैं आज इकोनॉमिक्स ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, जैसे बहुत से बच्चे चीजों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, बहुत ज्यादा फोबिया है, अरे किसकी बात कर रहे हैं, अर्थशास्त्र कैसे ले सकते हैं? अरे क्यों नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल, अर्थशास्त्र कैसे ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कुछ प्रॉब्लम तो है टेक्निकली, पता नहीं क्या दिक्कत है। चलिए, अच्छा मैं चेक करता हूँ, एक मिनट मुझे और समय दीजिए, मैं वॉइस चेक करवा लेता हूँ। सही बात, जब आवाज ही नहीं जाएगी तो कैसे समझ पाएंगे आप? जब आवाज ही नहीं जाएगी कैसे समझ पाएंगे? चलिए, तो चलिए अभी हम ये बात कर रहे हैं। आप तो रही है, कुलदीप कुमार के सर आ रही है, कुछ लोगों को आ रही है, कुछ लोगों को नहीं आ रही है। क्या बहुत क्लियर कट आवाज नहीं आ रही है? क्या बहुत स्पष्ट आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, आ रही है, परेशान ना होइए, ओके, कोई बात नहीं, नेहा चौधरी कोई बात नहीं। चलिए, ध्यान से आप लोग हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं, आपस में बात ना करें। नो, क्लियर नहीं है सर, वॉइस इज क्लियर। कैसे कुछ लोग क्लियर जा रही है आवाज, कैसे कुछ लोग क्लियर जा रही है, कुछ लोगों को नहीं क्लियर जा रही, मैं तो यही सोच पा रहा हूं, कैसे कुछ लोगों को आवाज क्लियर जा रही, कुछ लोगों को नहीं क्लियर जा रही है। वॉइस क्लियर नहीं है, मैं सबके कमेंट पढ़ रहा हूँ, डोंट वरी। हाँ, इसलिए
ऑडिबल है सर, नो प्रॉब्लम, ऑडिबल है। चलिए मेरी बात समझिए। अच्छा चलिए, हम इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बीच की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब आप आईबीएस प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं कुछ भी, और जीएस थर्ड पेपर के लिए पढ़ते हैं कुछ भी, यानी कुछ भी मतलब क्या, इंडियन इकोनॉमी, जब आईबीएस प्रीलिम्स इंडियन इकोनॉमी, मेरी बात समझिए, मेरी बात समझिए, हम ये कह रहे हैं कि हम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की जब बात करते हैं, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, तो इसमें कितना पेपर होगा, दो पेपर होगा। तो पहला पेपर किसी भी ऑप्शन में क्या पेपर होगा, दो पेपर होगा ना, किसी भी ऑप्शन कितना पेपर होगा, दो पेपर होगा। समझिए ध्यान से, ध्यान समझिए, किसी भी ऑप्शन में दो पेपर होंगे, तो इकोनॉमिक्स ऑप्शन में दो पेपर होगा, एक पेपर 250 नंबर का होगा, दूसरा पेपर भी 250 नंबर का होगा, ठीक है। और हम ये कह रहे हैं जो आपका सेकंड पेपर है ना, वास्तव में वही इंडियन इकोनॉमी है, जो आपका सेकंड पेपर है वही वास्तव में क्या है, इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी। और ये जो इंडियन इकोनॉमी वाला पेपर है, यही आपका जीएस थर्ड का पेपर है, जीएस थर्ड पेपर है। तो जब हम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का सेकेंड पेपर पढ़ रहे होंगे, तो वास्तव में 60% कवर कर रहे होंगे जीएस थर्ड पेपर की इंडियन इकोनॉमी को। यानी अगर किसी का इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है तो वो सिर्फ 250 नंबर को पढ़े ध्यान से, यस इसको समझिए, अगर किसी का इकोनॉमिक्स ऑप्शन है तो इस 250 नंबर को, यानी जो अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत है, इसी को पढ़ना है। और सही बता दें, सिद्धांत इतना आसान है कि जो कभी चेंज होता ही नहीं है, सिद्धांत इतना आसान है जो कभी चेंज होता ही नहीं है, यानी एक बार अगर आपने सिद्धांत पढ़ लिया तो वर्षों वर्ष वही रहता है। और आपको पता होना चाहिए कि मार्शल के जो सिद्धांत मार्शल ने कहे वो वही रहेंगे, रिकार्डो के वही रहेंगे, मस्ग्रेव के वही रहेंगे, है कि नहीं, कीन्स के सिद्धांत वही रहेंगे। तो देखिए, आप उनको समझा रहे हैं, यानी हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने अभी तक कोई ऑप्शन ऑप्ट नहीं किया तो ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो सक्सेस रेशियो है ना बहुत अच्छा है, इसका जो सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा है। क्योंकि देखिए, हम सक्सेस रेट दिखा दें आपको, आपके साथ हम बात कर रहे हैं, हम आपको सक्सेस रेट दिखा दें कि वर्ष 2018 की बात करें, यहाँ देखिए हम सक्सेस रेट दिखाना चाह रहे हैं आपको, जाके नेट पे चेक भी कर लीजिएगा, कोई ये हमने खुद से चार्ट नहीं बनाया है, ये हमने आपके सामने रैंक रखा। और सक्सेस रेट पे देखिए 19% सक्सेस रेट है, यानी अगर 269 लोग इकोनॉमिक्स लेते हैं तो उसमें 19 लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। आप किसी भी विषय का इतना बड़ा सक्सेस रेशियो नहीं, देखिए किसी भी विषय का आपका बड़ा अमाउंट हो सकता है, लेकिन सक्सेस जो रेशियो है परसेंटेज में बहुत ज्यादा है, ठीक है, परसेंटेज बहुत ज्यादा है। तो 2017 में 6.9% हुआ है, और 2013 में 20.2%, यानी अब तक मैक्सिमम 20% रिजल्ट दिया है इसने, यस अब तक इसने 20% रिजल्ट दिया है, तो 20% का रेशियो है। तो हम बस आपसे ये बात समझाना चाह रहे हैं, हम आपसे ये बात कहना चाह रहे हैं कि जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे, जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप उसमें दो पेपर पढ़ेंगे, एक तो जैसे कोई भी जब ऑप्शन पढ़ेगा, कोई भी स्टूडेंट जब ऑप्शनल पढ़ेगा तो ऑप्शनल में वो दो पेपर पढ़ेगा ना, फर्स्ट पढ़ेगा और सेकंड पढ़ेगा। और अगर किसी ने नहीं लिया, आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है, यस आप लोगों से रिक्वेस्ट भी, अगर कोई आपसे पूछता है भैया इकोनॉमिक्स ऑप्शन रख ले, तो उसको प्लीज मना मत करिएगा, क्योंकि जब आप मना कर देते हैं, क्योंकि अभी भीड़ देख करके लोग विषय का चुनाव करते हैं, भीड़ देख करके विषय का चुनाव करना सरासर गलत है। जिस विषय में आपकी रुचि हो आप उस विषय का चुनाव करिए। बहुत लोग देखते हैं अच्छा ज्योग्राफी में बहुत नंबर आ रहा है ले लेते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत नंबर देख करके विषय को चुनाव नहीं किया जाना चाहिए, बहुत नंबर देख करके या फिर क्राउड देख करके। अच्छा ये बताइए, इतने सारे लोग ज्योग्राफी ऑप्शन लेते हैं क्या सभी लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, इतने सारे लोग प्रशासन लेते हैं क्या सभी लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, इन सबका आप सक्सेस परसेंटेज देखिएगा बहुत कम है। या बहुत सारे लोग हिस्ट्री लेकर के आगे बढ़ते हैं क्या सिलेक्ट हो जाते हैं, नहीं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप एक टेक्निकल सब्जेक्ट लेकर के आगे बढ़ेंगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। और जो कि इकोनॉमिक्स अगर आपने पढ़ लिया तो सिर्फ इकोनॉमिक्स से आपको बहुत सारे ऑप्शन भी मिल जाएंगे, यानी जो इकोनॉमिक्स पढ़े रहते हैं उनको इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज
आईईएस में जाने का सीधा मौका मिलता है। आईईएस का नाम सुना है आप लोगों ने, इंडियन इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स सर्विसेज, आपको यहाँ जाने का पूरा मौका रहता है। साथ साथ जो स्टेट होती है ना, जो स्टेट कमीशन होती है, वो भी पीईएस निकालती है, प्रोविंशियल इकोनॉमिक सर्विसेज, पीईएस। क्या पीईएस का नाम सुना आप लोगों ने, या आईएसएस का नाम सुना है, या पीएसएस का नाम सुना है? तो इंडियन इकोनॉमिकल सर्विसेज यानी जो भारतीय आर्थिक सेवा है या प्रांतीय आर्थिक सेवा है, भारतीय सांख्यिकी सेवा है या प्रांतीय सांख्यिकी सेवा, इन सब में आपको इसका फायदा मिलेगा। तो आज हमने क्लास बस उन बच्चों के लिए रखी है जो वास्तव में ऑप्शनल इकोनॉमिक्स के बारे में सोच रहे हैं। जैसे कई सारे बच्चों ने हमसे कहा कि सर हमें इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के बारे में डिटेल से सिलेबस बता दीजिए। तो आप चाहें तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, अच्छा चूंकि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेकर के प्लस पर गए हैं तो वहां पर आप हमसे ऑप्शन पढ़ सकते हैं उसी फीस में। जैसे मान लीजिए किसी ने एक वर्ष का सब्सक्रिप्शन लिया है, 57,600 रुपए का सब्सक्रिप्शन लिया है, तो आप इस एक वर्ष का जो सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं उसमें आप हमसे ऑप्शन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। वहां पर आप जीएस पूरा पढ़ सकते हैं, वहां आप सीसेट पढ़ सकते हैं, यानी वहां पर आप उस पैसे का पूरा फायदा उठा सकते हैं। जब आपको अच्छा मौका मिल रहा है कि ऑप्शन पढ़ने का और एक अच्छे टीचर से मौका मिल रहा है, तो जरूर आप इसका फायदा उठाइए। और वास्तव में इकोनॉमिक्स ऑप्शन भी एक अच्छा विषय है, एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप नेट रिसर्च करेंगे तो इसका स्कोर बहुत अच्छा है, ठीक है, इसका स्कोर बहुत अच्छा है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अब आप लोग बताइए, हाँ इस बार भी रिजल्ट बिल्कुल बिल्कुल 19 में रिजल्ट आया है, यस 19 में भी इतना रिजल्ट आया है। अब आप लोग बताइए, अब आपको और किसी ऑप्शन के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब आपसे हमसे और कोई बात करनी है तो पूछ सकते हैं। हमने आपको इकोनॉमिक्स ऑप्शन के बारे में पूरी तरीके से बता दिया है। अब आप अगर और कुछ जानकारी जानना चाहते हैं, हमसे कुछ बात करना चाहते हैं तो ठीक है, और मंडे से हम लोग अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। मंडे से हम लोग अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे इकोनॉमी का, आपको बता दें मंडे से हम लोग अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे फ्रॉम मंडे। कल हमारी कोई क्लास नहीं होगी और मंडे से हमारा YouTube पर हमारा सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मंडे से हम लोग सिलेबस में आ जाएंगे और सिलेबस का जो पहला पार्ट होगा वो होगा बेसिक इकोनॉमी, यस। तो बेसिक इकोनॉमी में हम लोग बहुत सारी बात करने वाले हैं, बेसिक इकोनॉमी में हम लोग बहुत सारी बात करने वाले हैं। लोक प्रशासन भी पढ़ सकते हैं, अच्छा है, यस लोक प्रशासन भी अच्छा विषय है जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत ही पढ़ें। बेटा लोक प्रशासन में दो पेपर होता है, एक आपका पेपर हो जाएगा थॉट का, यस आईएएस राज तिवारी पूछ रहे हैं, तो लकी चौधरी इंग्लिश वाले भी ले सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी ले सकते हैं, यस। टाइम क्या होगा, शाम को 6 बजे तो उड़ान पढ़ेंगे और जो ऑप्शनल है उसको हम लोग प्लस पर पढ़ेंगे, प्लस यानी सब्सक्रिप्शन देना होगा। ऑप्शन पढ़ने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन पे जाना होगा, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन के लिए मैंने बता दिया है कि सब्सक्रिप्शन में लगातार प्राइस हाइक हो रही है, तो आप 20 अक्टूबर से पहले पहले सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। हम आपको फिर से दिखा दें कि सब्सक्रिप्शन आप आइकॉनिक ले सकते हैं या प्लस पे जा सकते हैं। ये देखिए आपका सब्सक्रिप्शन है जो आने वाले समय में तेजी से बढ़ने वाला है ना, आने वाले समय में तेजी से बढ़ जाएगा। जिनके पास मौका भी है तो जो लेना चाहते हैं वो चाहे 1 मंथ का ले लें, 3 मंथ का ले लें, 6 मंथ का ले लें, 12 मंथ का ले लें, 24 मंथ का, आपके पास ये 4 विकल्प है, आप ले करके देख सकते हैं। बिल्कुल यस लकी कराते हैं लकी चौधरी, इकोनॉमिक्स ऑप्शन आपका बाय लैंग्वेज चलेगा, हिंदी में भी चलेगा और इंग्लिश में भी चलेगा। हम प्लस पर दोनों ही लैंग्वेज नोट्स बनवाते हैं तो आपको पूरा फायदा होगा। इकोनॉमिक्स को कैसे पढ़ा जाए, संजय कुमार पूछ रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है संजय कुमार का, आप लोग भी और सवाल पूछ सकते हैं। कैसे इकोनॉमिक्स पढ़ा जाए, बिल्कुल अच्छा सवाल हम बता रहे हैं, इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ा जाए, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। चलिए आज आपसे बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ें, इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ें। और कोई सवाल तो पूछ सकते हैं आप लोग, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सवाल खूब पूछ सकते हैं, इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ें, ये संजय कुमार का सवाल है, अच्छा सवाल है बेटा आपका। चलिए इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें जानते हैं उसके बेसिक पे जाना होगा। सबसे पहला स्टेप बेसिक, बेसिक मीन्स आपको अपना फाउंडेशन अच्छा करना होगा, आपको अपना फाउंडेशन स्ट्रांग करना होगा, और फाउंडेशन स्ट्रांग करने के लिए आपको शब्द सीखने पड़ेंगे, यानी आपको टेक्नोलॉजी पे जाना होगा, टेक्नोलॉजी पे जाना होगा। तो आप टेक्नोलॉजी पे जाएंगे तो आप अच्छा काम सीख सकते हैं,
और बताइए, और क्या जानना है? बताइए और क्या जानना है? नहीं, आप लोग सवाल पूछ सकते हैं, सबको आप सबको परमिशन सवाल पूछने का। अभिजीत, जावेद सिंह, साजिल गाजिक, निशा कुमारी, कुलदीप, अवंतिका, ज्योति, दिव्या, गौतम, पूजा गौतम, सभी लोग, शीला कुमारी, गिरीश पांडे, सोनम सिंगर, आप सभी लोग आज हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हम आपको पूरा मौका दे रहे हैं कि आप क्या जानना चाहते हैं। यस, आप पूछ सकते हैं। देखिए, हम उस टाइप के टीचर या एजुकेटर नहीं है जो आपके कमेंट को ना पढ़े। हम जरूर कमेंट पढ़ते हैं और आपके कमियों को सुनना पसंद करते हैं, और आप जो हमसे सवाल पूछना चाहते हैं उसको हम जरूर उसका आंसर देंगे। इकोनॉमिक्स ऑप्शन नहीं लेना है, फिर भी इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ते जी सड़ गए। यस, कोई बात नहीं। अंशुल कुमारी पूछ रही कैसे पढ़ते, तो बेटा हमने कहा सबसे पहले आपको शब्दावली पढ़नी पड़ेगी। इकोनॉमिक्स कैसे पढ़े, सबसे पहले आप शब्दावली पढ़ लीजिए, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़िए। सबसे पहले एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की नहीं पढ़नी चाहिए। यस, हम शब्दावली क्लास लेंगे। यस, हम शब्दावली क्लास मंडे से स्टार्ट कर देंगे आपकी। आपको सबसे पहले इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी चाहिए, इस बात को ध्यान में रखिए। एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की ना पढ़ें। अच्छा, क्या ना करें बताते हैं। इकोनॉमिक्स अच्छे सीखने के लिए क्या करना चाहिए? अगर आप इकोनॉमिक्स को अच्छे सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले ये करिए कि आप इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी सबसे पहले ना पढ़िए। हम ये नहीं कह रहे एनसीईआरटी ना पढ़िए, लेकिन एनसीईआरटी सबसे पहले मत पढ़िए। उससे पहले आप पहले शब्द को सीख लीजिए, ठीक। सब सीखने के बाद आप पेपर पढ़ना शुरू करिए, ठीक। पेपर पढ़ने के बाद जब थोड़ी समझ हो गया फिर आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप स्टैंडर्ड बुक पढ़िए। चलिए हम बता दें आपको क्या करना चाहिए, तभी उसमें ध्यान से। इकोनॉमिक्स अच्छा पढ़ेंगे क्या करना चाहिए? इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले आप क्या करेंगे, टर्मिनोलॉजी सीखेंगे। हम आपको सिखाएंगे तो टर्मिनोलॉजी आपको सीखना होगा। टर्मिनोलॉजी के बाद आप क्या पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर। यस, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद क्या करेंगे, एनसीईआरटी उठाएंगे। एनसीईआरटी किस क्लास की, क्लास 9th की एनसीईआरटी उठाएंगे। क्लास 9th की एनसीईआरटी, फिर क्लास 10th की एनसीईआरटी, फिर क्लास 11th की एनसीईआरटी, और इसके बाद हम लेंगे एक स्टैंडर्ड बुक। यस, एक स्टैंडर्ड बुक ले लेंगे। स्टैंडर्ड बुक पढ़ने के साथ साथ फिर हम लोग योजना योजना और कुरुक्षेत्र जैसी मैगजीन पढ़ेंगे। योजना, कुरुक्षेत्र प्लस डाउन टू अर्थ, ये सब पढ़ेंगे। इस तरीके से पढ़ना है। जागदीप सिंह, आप मैथ लेना चाहती हैं, ले सकती हैं बेटा, बहुत अच्छा। अगर आपका बैकग्राउंड मैथ है, आपको अच्छा लगता है तो मैथ ले सकती हैं। बताइए सर, इकोनॉमी को इजी कैसे बनाएंगे? बिल्कुल नितेश, नितेश पूछ रहे हैं इकोनॉमिक्स को इजी कैसे बनाएंगे। इकोनॉमिक्स को इजी बनाने के लिए सबसे पहले हमने कहा आपको शब्दावलियों पर कमांड करना होगा। यस, आप सवाल पूछिए, हम आपके जवाब देंगे। आप हमें सवाल पूछिए, हम आपके जवाब देंगे। यस, चलिए आप और भी सवाल पूछ सकते हैं, आपको बहुत सारे जवाब देंगे। और पूछते रहिए, और क्या पूछना है? इकोनॉमिक्स इज द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर ऑप्शन इंग्लिश और हिंदी। लूसी चौधरी, बिल्कुल इंग्लिश में भी अच्छा स्कोरिंग है और हिंदी में भी अच्छा स्कोरिंग है, नो डाउट, ठीक है। विकास कुमार भारती, साजिद आदित, अच्छा, चलिए। हाँ, सोमवार से हम शब्दावली क्लास लेंगे। सोमवार से हम इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी की क्लास लेंगे, उसका टाइटल होगा बेसिक इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी। सोमवार से हम टर्मिनोलॉजी क्लास लेंगे। यस, और सवाल जो पूछना हो आप पूछ लीजिए। अभिजीत, जागृति, विकास कुमार भारती, नितेश रखवार, इकोनॉमिक्स कैसे अच्छा पढ़े, हमने बता दिया आप लोगों को। इकोनॉमिक्स को अच्छा पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा? इकोनॉमिक्स अच्छा पढ़ने के लिए आपको पहले शब्दावली सीखनी पड़ेगी, और ये शब्दावली हम आपको सिखाएंगे मंडे से, ठीक है। यस, मंडे सिखाएंगे। सोमवार से शब्दावली क्लास लेंगे। जगदीश सिंह, आप मैथ लेना चाहती हैं। सोनम सिंह, ऑफलाइन 10th क्लास ठीक कर पाए थे बट ऑनलाइन आप सही पढ़ेंगे। बिल्कुल 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 एकदम। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि सेशन अच्छा लगा होगा, आपसे बातचीत करके हमको भी काफी अच्छा लगा। और भी कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आईएएस मुख्य परीक्षा का सिलेबस अभी हमने डिस्कस नहीं किया है। आईएएस मुख्य परीक्षा का हमने सिलेबस डिस्कस नहीं किया है। देखिए, हमने अब तक आपको क्या क्या पढ़ा दिया है। हमने आपको बता दिया अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है। आईएएस प्रारंभिक परीक्षा का कम्प्लीट सिलेबस डिस्कस कर दिया है, और जिन लोगों को चाहिए पीडीएफ, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा कुमार मैन का प्रोफाइल है, उसको
को फॉलो करेंगे, हमको मैसेज करेंगे, डेडिकेशन देना और डेडिकेशन देंगे, और फिर आप हमसे सारी पीडीएफ ले लेंगे, ठीक है, हमसे आप पीडीएफ ले लेंगे। निशा कुमारी सर, हिंदी ऑप्शन अच्छा रहेगा, बिल्कुल ले सकते हैं निशा। हमने कहा ऑप्शन आप वही लीजिए, ऑप्शन वही लीजिए जिसमें आपकी रुचि हो। इकोनॉमिक्स ऑप्शन समझाने मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि आप इकोनॉमिक्स ऑप्शन लीजिए, लेकिन मैं इसकी गारंटी ले रहा हूँ कि अगर आप इकोनॉमिक्स ऑप्शन लेते हैं तो आपका स्कोर अच्छा होगा। यस, आपका स्कोर अच्छा होगा, बात क्लियर है। हिंदी ऑप्शन भी ले सकते हैं। यस प्रमोद मिश्रा, हाँ है, सुनो बताइए, सुनाइए प्रमोद मिश्रा क्या सुनाना चाह रहे हैं। और मंडे से हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हम आपको इकोनॉमिक्स अच्छा सिखा सकें, हम आपको इकोनॉमिक्स अच्छा सिखा सकें। बेटा विभाग गुप्ता मिल जाएगा, अभी किसी को पीडीएफ नहीं मिली हुई है। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए, नीचे कुमार मैन की लिंक दी हुई है, ठीक है, नीचे कुमार मैन की लिंक दी हुई है, आपको मिल जाएगी, डोंट वरी। और ये सब्सक्रिप्शन का प्राइस हाइक होने वाला है, आप ले सकते हैं। और क्या फायदा आपको होगा, क्योंकि सभी एजुकेटर के द्वारा यहाँ लाइव स्ट्रक्चर फाउंडेशन लेकर के एडवांस का भी क्लास आपको मिल जाएगी, और साथ साथ सभी एजुकेटर आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं। देखिए अनअकैडमी में सभी सबको अच्छा पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक्स ऑप्शन बहुत अच्छा हो सकता है। प्रमोद मिश्रा जी, क्या नहीं समझ आ रहा है, लेट से आ रहे हैं, कौन सी ग्रुप लूं? आप दत्ता सुंदरम ले सकते हैं प्रमोद मिश्रा जी, यस दत्ता सुंदरम ले सकते हैं। ये सब्सक्रिप्शन है जिसमें 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का। अगर 2 साल का लेते हैं तो आपको 99,000 पे करना होगा, इसमें आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा K10 यूज करने पर, और भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप 1 वर्ष का लेते हैं 64,000, ठीक है। तो चलिए K10 याद रखना है आपको, K10 यूज करना है, और K10 के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं प्लस चैनल पर, बेहतरीन तरीके से हम आपको गाइड करेंगे, यस, और आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। बिल्कुल बोर्ड पर क्लास लेने की पूरी कोशिश है, बिल्कुल आज भेज देंगे, जिनको पीडीएफ चाहिए आज के सिलेबस की, कल के सिलेबस की, पहले की, जितनी क्लास हो रही है हम आपको सबका पीडीएफ दे देंगे बेटा, डोंट वरी, आप परेशान ना रहिए, हम सबका पीडीएफ आपको दे देंगे, ठीक है। चलिए आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, इकोनॉमिक्स ऑप्शन को समझा इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑप्शन के नाम पर तो लड़के वैसे ही डर जाते हैं, वैसे ही दहशत में आ जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ बात समझ में आई होगी, अगर आप ऑप्शन के रूप में विचार करते हैं तो एक बार इकोनॉमिक्स ऑप्शन ले सकते हैं, प्रोफाइल के जरिए हमसे बात कर सकते हैं, सर इसमें और क्या होगा, और अगर आपको मेरी बातें समझ में आती है तो जरूर से जरूर आप हमारे प्रोफाइल को फॉलो करें, हमसे मैसेज करके बातें करें, हम जरूर आपकी जितनी हेल्प हो सके उतनी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।
Thank you.